बीते कुछ दिनों पूर्व पौड़ी तहसील परिसर में एसडीएम के साथ तीखी नोकझोंक को लेकर हुए प्रकरण में अब न्याय पंचायत बिचली ठांडरी के 9 गांवों के प्रधानों ने जिलाधिकारी से मिलकर रोष जताया है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि अग्निवीर भर्ती को लेकर तहसील के कार्मिकों और एसडीएम ने अवकाश के दिन और कार्यालय समयावधि के बाद भी कार्य किया है। वहीं इस बात पर ग्राम प्रधान मधु खुशकाल ने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने तहसील परिसर में जाकर बेवजह विवाद खड़ा किया है। ग्राम प्रधानों ने तहसील कर्मियों और एसडीएम का समर्थन करते हुए पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। दोबारा से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे कि उन लोगों पे घोर से घोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अभद्र व्यवहार उप जिलाधिकारी के साथ में किया है। क्योंकि प्रत्येक बच्चा जब इंटर पास करता है तो उस बच्चे को उसी दिन ये तय करना होता है कि कहीं भी पोस्ट आती है तो मुझे आवेदन के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। तो इसका विरोध जो एसडीएम साहब के साथ हुआ है ये ठीक नहीं है, उनका उसमें कोई वो नहीं है। ग्राम पंचायतों के जो प्रधानगण हैं इनके संगठन के माध्यम से आकाश जोशी जो एसडीएम पौड़ी हैं इनके संबंध में जो वायरल वीडियो जो संज्ञान में आया था उसको देखते हुए सभी ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा इसमें ये मांग किया गया है कि उस प्रकरण में न्याय उचित कार्रवाई किया जाए और तहसील कर्मचारियों पर जो अनावश्यक दबाव आ रही है उस पर उससे उनकी सहायता किया जाए।